वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। पंजाब के तरन तारण से बड़ा अपडेट है। पुलिस थाने पर हमले में ये बड़ा खुलासा, आईएसआई के साथ मिलकर साजिश रची गई। पंजाब पुलिस ने तस्वीर साफ करते हुए कहा है कि ये आईएसआई के साथ मिलकर साजिश रची गई थी, जबकि तरन तारण में पुलिस स्टेशन पर आतंकवादी हमला किया गया। ये तरन तारण में सरहाली पुलिस स्टेशन पर जो आरपीजी अटैक हुआ था, वो पंजाब पुलिस ने इसे सॉल्व कर लिया है। टोटल 7 मुलजिम अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, 6 गिरफ्तार बाहर से हुए हैं, 1 जेल से प्रोडक्शन वारंट पे ले आया गया है। इन्वेस्टिगेशन तो पता लगा है कि हमारे नेबरिंग कंट्री की खुफिया एजेंसी के इशारे पे लखबीर लंडे, जो टेररिस्ट कैनेडा बैठा है, वो इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड था, जिसने यूरोप बैठे अपने साथियों के साथ, जो सत्ता और गुरुदेव जस्सल के थ्रू एक टेररिस्ट मॉड्यूल यहाँ पे। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रेस किया उसको, अजमीत के थ्रू जो जेल में है, अजमीत सिंह के थ्रू कोऑर्डिनेट करवाया और ये अटैक एग्जीक्यूट किया। छपरा में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा बढ़ा, अब तक कुल 61 लोगों की मौत। बिहार के सीवान में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत, मृतकों में 3 लोग एक ही गांव के रहने वाले। बेगूसराय में संदिग्ध परिस्थिति में 2 की मौत, एक बीमार, परिजनों ने लगाया जहरीली शराब पीने के बाद मौत का आरोप। छपरा शराब कांड पर बीजेपी लगातार हमलावर, विधानसभा से बीजेपी ने किया वॉकआउट, निकाला पैदल मार्च, सीएम नीतीश से इस्तीफे की मांग। शराब कांड पर बीजेपी ने राजभवन में घुसने का किया प्रयास, बीजेपी कार्यकर्ता और सुरक्षा कर्मियों के बीच धक्कामुक्की। शराब कांड पर बिहार विधानसभा में संग्राम, तेजस्वी के भाषण के दौरान कुर्सी उठाकर बीजेपी का प्रदर्शन। बिहार विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, छपरा शराब कांड मामले पर सरकार को घेरा, नेता प्रतिपक्ष का माइक आज भी किया बंद। बिहार में जहरीली शराब मामला, थाने में जब्त स्प्रिट की चोरी की आशंका, आज भी इस मुद्दे पर विधानसभा में हुआ हंगामा। छपरा शराब कांड पर दिए अपने पुराने बयान पर कायम सीएम नीतीश कुमार, कहा मत पियो शराब, पियोगे तो मरोगे का करूंगा प्रचार। शराब कांड के पीड़ितों से मिले पूर्व मंत्री राजीव प्रताप रूड़ी, परिजनों का जाना हालचाल। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।